नेक्स्ट इज चेकबॉक्स कंट्रोल, राइट। आप इमेज देख सकते हो कि चेकबॉक्स कंट्रोल कैसे दिखेगा, राइट। इट इज अ स्मॉल बॉक्स विथ अ कैप्शन। आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्मॉल बॉक्स है एंड दिस इज ट्रीटेड एज कैप्शन। चेकबॉक्स वन लिखा है, दैट इज ट्रीटेड एज कैप्शन। सो ये कैप्शन के साथ साथ हमें ये स्मॉल बॉक्स भी मिलेगा। अगर यूजर ये बॉक्स बाय डिफॉल्ट मतलब उसके अंदर ब्लैंक है, एम्प्टी है, और अगर यूजर उसके ऊपर क्लिक करता है, राइट, तो यहाँ पे एक चेक मार्क आ जाएगा, राइट। मतलब पता चले कि यूजर ने ये चेक बॉक्स को सिलेक्ट किया है। और अगर फिर से यूजर वही बॉक्स के ऊपर क्लिक करेगा तो वो चेक मार्क रिमूव हो जाएगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज स्विमिंग और मैं चाहती हूँ कि यूजर उसे सिलेक्ट करे, अगर वो स्विमिंग करता है तो यूजर जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेगा यहाँ पे ये चेक मार्क आ जाएगा। और अगर वहां पे यूजर को ये सिलेक्ट नहीं करना है, राइट, सो वो यूजर क्या करेगा, फिर से ये चेकबॉक्स जहां पे है उसके ऊपर वो यूजर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक वो चेकबॉक्स रिमूव हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ ऑब्वियसली अगर मुझे सेट ऑफ ऑप्शंस यूजर को देने हैं कि जिसके अंदर से यूजर वन या फिर नन या फिर मोर देन वन वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है, राइट, तब मैं ये चेकबॉक्स कंट्रोल का यूज कर सकती हूँ। बिकॉज फॉर्म के ऊपर जितने भी चेकबॉक्सेस होंगे वो सारे चेकबॉक्स भी अगर यूजर चेक करना चाहे मतलब सिलेक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, राइट। ओके, सो प्रॉपर्टीज देखते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी मतलब जो हमने यहाँ पे ये इमेज में जो चेकबॉक्स वन है दैट इज द कैप्शन, अगर उसकी जगह मुझे कोई और टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी से मैं कर सकती हूँ चेक्ड। चेक्ड प्रॉपर्टी से मुझे पता चलेगा दैट इज ट्रू और फॉल्स होगी इसकी वैल्यू। ट्रू है तो ये बॉक्स में मुझे मार्क दिखाई देगा, फॉल्स है तो ये बॉक्स में मार्क नहीं होगा। नेक्स्ट इज फ्लैट स्टाइल, अगेन रिपीटेड। चेक अलाइन, चेक अलाइन मतलब ये जो चेक बॉक्स है वो मुझे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कैप्शन चाहिए या फिर राइट हैंड साइड ऑफ द कैप्शन चाहिए। अभी तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कैप्शन है, मतलब लेफ्ट साइड पे चेक बॉक्स है और उसके बाद कैप्शन है, लेकिन अगर मुझे ये जो बॉक्स है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे चाहिए, राइट, तो भी मैं ये चेक अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करके चेक मतलब सेट कर सकती हूँ। अपीयरेंस, अगेन रिपीटेड। ऑटो चेक, राइट, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से मैं ये वैल्यू गेट या फिर सेट कर सकती हूँ, राइट, कि वेदर द चेक्ड और चेक स्टेट वैल्यू एंड द अपीयरेंस ऑफ द चेक बॉक्स आर ऑटोमेटिकली चेंज when the checkbox is clicked or not, मतलब उसका appearance automatic change होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। Checked जो है mark वो automatically आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, right? Next is check state, state of that checkbox, flat appearance, again border and color हम वो check state के हिसाब से set कर सकते हैं। Flat style, again repeated. These all properties are also repeated. It is related to image, right? Next, first two properties also repeated. That is text align and text image relation. वो अभी हमने button control के साथ देखा. Next is three state. Three state से हम क्या यहाँ पे use कर सकते हैं? मतलब we can get or set कि whether ये checkbox टू स्टेट्स के ऊपर वर्क करेगा या फिर थ्री स्टेट्स के ऊपर वर्क करेगा। बाय डिफॉल्ट वो टू स्टेट के ऊपर वर्क करता है, दैट इज चेक्ड एंड अनचेक्ड, राइट। लेकिन अगर हमें यहाँ पे कोई थर्ड स्टेट ऐड करना है, राइट, तो हम ये थ्री स्टेट को हम ट्रू सेट कर सकते हैं, मतलब उसके हिसाब से हम सेट कर सकते हैं कि वेदर यहाँ पे टू स्टेट होगा कि थ्री स्टेट होगा, राइट। दैट इज टू स्टेट मतलब चेक्ड एंड अनचेक्ड, राइट। Use mnemonic, already हमने label, button सारे controls के साथ देखा, so I will not repeat. So these are the properties of checkbox control. Methods of checkbox control, first of all default event उसकी है checked change event, right? So उसके related यहाँ पे method है, that is on checked change. On checked change event क्या raise करेगा? Obviously it will raise checked change event. On click, तो वो ये checkbox की click event raise करेगा. And on check state change, मतलब जो check state change event है वो ये raise करेगा।
स्टूडेंट मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो यहाँ पे मैंने जो एक इवेंट लिखी है वो उसकी डिफॉल्ट इवेंट है कि जो हम वो पर्टिकुलर कंट्रोल के ऊपर डिजाइन टाइम पे डबल क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगी। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो डिफॉल्ट इवेंट है इट वर्क्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्टिकुलर कंट्रोल। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे कंट्रोल के साथ सिर्फ ये एक ही इवेंट है, दूसरी भी बहुत सारी इवेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल चेकबॉक्स कंट्रोल है तो ऑब्वियसली वो चेक के ऊपर वर्क करता है, इसीलिए उसकी डिफॉल्ट इवेंट है चेक चेंज, लेकिन उसके साथ क्लिक इवेंट भी अवेलेबल है, राइट? तो उसके रिलेटेड यहाँ पे मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे लिए, राइट? सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द चेकबॉक्स कंट्रोल। नेक्स्ट कंट्रोल इज रेडियो बटन कंट्रोल, राइट? आई थिंक आई फॉरगॉट टू प्लेस इमेज, राइट? सो रेडियो बटन कंट्रोल कैसे आता है? इट इज सिमिलर टू द चेकबॉक्स कंट्रोल, ओनली द डिफरेंस इज यहाँ पे हमें बॉक्स की जगह पे सर्कल दिखाई देगा और यहाँ पे कैप्शन आएगा। फॉर एग्जाम्पल रेडियो बटन वन, राइट? यहाँ पे कैप्शन आ सकता है दैट इज रेडियो बटन वन, राइट? सो दिस इज रेडियो बटन कंट्रोल। इट लुक्स लाइक चेकबॉक्स कंट्रोल बट डिफरेंस इज ऑब्वियसली चेकबॉक्स और रेडियो बटन में डिफरेंस है। अगर हम रेडियो बटन कंट्रोल को ग्रुप करते हैं तो वो ग्रुप में से यूजर कोई एक रेडियो बटन को चेक कर सकता है, लेकिन दिस इज नॉट द केस विद चेकबॉक्स कंट्रोल। जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि चेकबॉक्स कंट्रोल के अंदर तो हम मोर देन वन चेकबॉक्सेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुपिंग किया है या फिर नहीं किया है डजंट मैटर, राइट? लेकिन रेडियो बटन कंट्रोल के अंदर अगर हमने ग्रुप बनाए हैं, फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप बॉक्स कंट्रोल का यूज करती हूँ, राइट? और मैं ये रेडियो बटन कंट्रोल का ग्रुप बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल जेंडर, राइट? सो ग्रुप बॉक्स कंट्रोल मैंने यूज किया, राइट? और वो ग्रुप बॉक्स कंट्रोल के अंदर मैंने टू रेडियो बटन कंट्रोल्स रखे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्रुप बॉक्स कंट्रोल, राइट? सॉरी मैं यहाँ पे लिखती हूँ जेंडर और उसके अंदर मैंने टू रेडियो बटन कंट्रोल यूज किए, राइट? वन इज फॉर मेल, अनदर इज फॉर फीमेल। तो ये जो ग्रुप है उसमें से एनी वन ऑफ दिस टू रेडियो बटन कंट्रोल को मैं चेक कर सकती हूँ, एनी वन। लाइकवाइज सेम फॉर्म के ऊपर मैंने दूसरा एक ग्रुप बॉक्स भी यूज किया है, राइट? यहाँ पे ग्रुप बॉक्स है और यहाँ पे मैंने दो अनदर रेडियो बटन रखे है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसके अंदर वैल्यू सेट की है येस एंड नो, राइट? सो ये ग्रुप बॉक्स में से मैं कोई एक रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकती हूँ और ये जो दूसरा ग्रुपिंग है उसमें से मैं सेकेंड रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकती हूँ। बट दिस इज नॉट द केस विथ चेकबॉक्स कंट्रोल। चेकबॉक्स कंट्रोल तो मैं सारे भी यूज कर सकती हूँ, राइट? सारे भी चेक कर सकती हूँ, राइट? ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज मेथड्स एंड इवेंट्स। नाउ द रेडियो बटन की जो भी प्रॉपर्टीज है, मेथड्स है, इवेंट्स है, इट इज टोटली सिमिलर टू द चेकबॉक्स कंट्रोल, राइट? कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसे रिपीट नहीं किया है। ओनली द डिफरेंस इज रेडियो बटन के साथ हम थ्री स्टेट प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते। जैसे चेकबॉक्स में थ्री स्टेट प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चेक या फिर अनचेक वही स्टेट है, राइट? So that is radio button control. Another is picture box control. As the name says, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, it will give me one box कि जिसके अंदर मैं पिक्चर को डिस्प्ले कर सकती हूँ, राइट? या फिर कोडिंग का यूज करके मैं इसके अंदर ड्रॉ भी कर सकती हूँ। एंड इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कंटेनर कंट्रोल फॉर अनदर कंट्रोल्स, राइट? मतलब पिक्चर तो डिस्प्ले कर ही सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे ये पिक्चर बॉक्स कंट्रोल को एज ए कंटेनर कंट्रोल बनाना है तो वो उस हिसाब से भी मैं यूज कर सकती हूँ। एज द नेम सेज कंटेनर, कंटेनर मतलब ये पर्टिकुलर कंट्रोल विल एक्ट एज अ कंटेनर के जो दूसरे कंट्रोल्स को कंटेन कर सकता है, राइट? ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस की जो हम ये पिक्चर बॉक्स कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं, दैट इज बिटमैप, आइकन, जेपीजी, पोर्टेबल दैट इज पीएनजी, जीआईएफ and Windows metadata files, right? That is WMF, EMF. These are the different types of files के जो हम ये picture box control के अंदर display कर सकते हैं, right? यहाँ पे मैंने उसका description भी लिखा है। हमें यहाँ पे ये meta files use करने का advantage ये है कि हम अगर ये picture box को
मतलब उसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो पिक्चर होगा उसकी भी साइज इंक्रीज डिक्रीज होगी, लेकिन वो अपनी क्वालिटी लॉस नहीं करेगा। अगर हम ये मेटा फाइल्स दैट इज विंडोज मेटा फाइल्स फॉर्मेट में पिक्चर बॉक्स के अंदर पिक्चर डिस्प्ले करेंगे तो राइट प्रॉपर्टीज है तो ऑब्वियसली अगर पिक्चर बॉक्स है तो हम उसके अंदर इमेज सेट कर सकते हैं, तो इमेज प्रॉपर्टी होगी कि जिसके अंदर हम सेट करेंगे कि कौन सी इमेज हमें डिस्प्ले करनी है। राइट साइज मोड इट इंडिकेट्स कि इमेज कैसे डिस्प्ले होगी, पूरा पिक्चर बॉक्स बड़ा है तो उतनी बड़ी होनी चाहिए या फिर ओरिजिनल साइज की होनी चाहिए। क्लाइंट साइज मतलब हाइट एंड विड्थ ऑफ द कंट्रोल। एरर इमेज अगर मुझे मैं जो इमेज लोड करना चाहती हूँ और वो इमेज लोड नहीं हो रही है, और ऑब्वियसली इमेज लोड नहीं होगी तो यूजर को पता नहीं चलेगा कि इमेज कहाँ गई, तो मैं वहां पे खुद की एक एरर इमेज लोड कर सकती हूँ ताकि यूजर को पता चले कि यहाँ पे एरर है। इमेज लोकेशन मैं इसके अंदर कोई पाथ सेट कर सकती हूँ, यूआरएल सेट कर सकती हूँ कि जहां से मुझे ये इमेज लानी है। राइट सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पिक्चर बॉक्स कंट्रोल। मेथड्स ऑब्वियसली पिक्चर लोड करने के लिए एट रन टाइम मैं लोड मेथड का यूज कर सकती हूँ, एंड विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन मुझे वो इमेज लोकेशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि जहां से मुझे इमेज लानी है। ऑन क्लिक क्लिक इवेंट रेज करेगा। कैंसल एसिंक्रोनियस लोड एसिंक्रोनियस। राइट मतलब मुझे एसिंक्रोनियस इमेज लोड करनी है। एसिंक्रोनियसली मतलब सिंक्रोनियस नहीं होगा, सिंक्रोनियस मतलब वो अच्छी मतलब कोई दूसरे कंट्रोल के साथ सिंक होके वो वर्क नहीं करेगा। राइट वो खुद अपने आप अपने हिसाब से वर्क करेगा, दैट इज एसिंक्रोनियस, किसी और के साथ कोऑपरेट करके वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट मेथड हाइड एंड शो जो हमने ऑलरेडी लेबल कंट्रोल के अंदर देखा था, एंड द डिफॉल्ट इवेंट ऑफ पिक्चर बॉक्स कंट्रोल इज क्लिक इवेंट। राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज अ पिक्चर बॉक्स कंट्रोल एंड इट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, एल्स वी विल एंड अवर लेक्चर।